सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स. अपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट अनदर पीरियोडिक प्रॉपर्टी. और दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज आयनिक रेडियस. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट एटॉमिक रेडियस एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस को कैसे डिफाइन किया जाता है? The distance from the center of nucleus of ion up to the point at which the effect of ionic charge can be experienced. Is known as आयनिक रेडियस. ठीक है, यानी किसी भी आयन के सेंटर से बाहर वहां तक वो पॉइंट आयन के न्यूक्लियस के सेंटर से उस पॉइंट तक जिस पॉइंट तक इस आयन के चार्ज को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट डिस्टेंस इज नोन एज आयनिक रेडियस. और क्योंकि आयन्स आपके पास दो तरह के होते हैं, कैटायन एंड एनायन, तो आयनिक रेडियस भी दो तरह के हो गए, कैटायनिक रेडियस एंड एनायनिक रेडियस. ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करो द साइज ऑफ कैटायन एज कंपेयर टू द एटम, तो यू विल ऑब्जर्व दैट अ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम. ठीक है, यू कैन से कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट atomic radius. ठीक है, मतलब अगर आप कंपेयर करो फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ सोडियम आयन एंड सोडियम एटम, तो सोडियम आयन का कैटायन का साइज हमेशा सोडियम एटम के साइज से छोटा होगा. क्यों छोटा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के निकल जाने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही होते हैं. इसका रिजल्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. तो ऐसा क्यों हुआ? इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कैटायन्स आपको पता है कैसे बनते हैं? कैटायन्स बनते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो गए, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही थे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब एटॉमिक जो आयनिक रेडियस है, कैटायन का रेडियस छोटा हो गया एज कंपेयर टू पेरेंट एटम. ठीक है, दूसरी इंटरेस्टिंग बात, अगर हम कैटायनिक रेडियस को कंपेयर करें तो कैटायनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन फॉर द गिवन एलिमेंट. तो आप कह सकते हो कि फॉर द गिवन एलिमेंट कैटायनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक चार्ज. आयनिक चार्ज जितना बड़ा होगा कैटायन का,
कैटायनिक रेडियस उतना ही छोटा होगा. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपेयर करो द साइज ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन, Fe3 पॉजिटिव आयन एंड आयरन एटम, तो आयरन एटम का साइज सबसे बड़ा, उसके बाद फेरस आयन का साइज और सबसे छोटा फेरिक आयन का साइज. क्योंकि कैटायन पर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट उतने ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट जितने ज्यादा होंगे, यस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा और कैटायनिक साइज उतना ही छोटा होगा. क्लियर हो गया? सिमिलरली वी कैन कंपेयर, कंसीडर द साइज ऑफ एनायन. तो जो एनायनिक रेडियस है, द एनायनिक रेडियस इज ऑलवेज greater than the parent atom radius. For example, अगर आप compare करो size of chloride ion and chlorine atom, तो the size of chloride ion is always bigger than the size of chlorine atom. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है anions कैसे बनते हैं? Anions बनते हैं by gain of electron. तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ जाएंगे, बट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उतना ही रहेगा. और अगर न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहेगा तो क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कम होना मतलब एटॉमिक साइज का बढ़ जाना. तो यू कैन से एटॉमिक एनायनिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम ड्यू टू decrease in effective nuclear charge after gain of electron. Clear हो गया? और यहां पर भी सेम कंडीशन है कि एनायन पर चार्ज जितना ज्यादा होगा, साइज ऑफ एनायन उतना ही बड़ा होगा. तो यू कैन से के फॉर द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर सेम एलिमेंट Anionic radius is directly proportional to anionic charge. ठीक है? For example, अगर आप compare करो size of oxygen atom, oxygen 1 negative ion and oxygen 2 negative ion. तो इन दैट केस ऑक्सीजन एटम सबसे छोटा, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन 1 नेगेटिव आयन एंड देन ऑक्साइड आयन विद 2 नेगेटिव चार्जेस. क्योंकि जैसे जैसे यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कम होता जाएगा. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा आयनिक साइज उतना ही बड़ा होगा. क्लियर? तो आयनिक रेडियस को कंसीडर करते वक्त आपने कुछ छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है. सबसे पहली बात, कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम के साइज से हमेशा छोटा होता है और एनायन का साइज अपने पेरेंट एटम के साइज से हमेशा बड़ा होता है. कैटायन पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जितने ज्यादा होते जाएंगे साइज उतना ही छोटा होता जाएगा. एनायन में नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस जितने ज्यादा होते जाएंगे साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा. क्लियर हो गया? तो अब अगर हम इन आयनिक रेडियाई के पीरियोडिक ट्रेंड्स को कंसीडर करें, क्या वेरिएशन हमें मिलते हैं इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक
पीरियोडिक ट्रेंड्स में अगर आप डाउन द ग्रुप की बात करो तो डाउन द ग्रुप हमें ट्रेंड सेम मिलता है जैसा कि हमें एटॉमिक रेडियस के केस में मिलता था. आपने देखा था कि इन अ गिवन ग्रुप जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं इसका मतलब एटॉमिक साइज बढ़ता है. तो सेम चीज यहां पर भी है. डाउन द ग्रुप यू कैन से आयनिक साइज इंक्रीजेस फॉर आयन्स कैरिंग सेम चार्ज, कैरिंग इक्वल चार्जेस. ठीक है, ये ध्यान रहना चाहिए कि यहां पर चार्जेस इक्वल होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रुप वन में देखो तो वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम एंड सीजियम. इन सब में मोनो पॉजिटिव आयन्स बनते हैं और डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम आते जाते हैं इनके आयनिक साइजेस बढ़ते जाते हैं. सिमिलरली हम फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते थे ग्रुप 17 हेलोजन एटम्स, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड. और अगेन डाउन द ग्रुप द साइजेस कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, तो ये केस हुआ डाउन द ग्रुप. एंड अनदर पीरियोडिक ट्रेंड इज अक्रॉस द पीरियड. अक्रॉस द पीरियड हम यहाँ पे कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं दे सकते क्योंकि अक्रॉस द पीरियड सेम टाइप ऑफ आयन्स का फॉर्मेशन नहीं होता. अगर आप किसी भी पीरियड में देखो तो आप पढ़ चुके हो कि एट द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इनिशियल ग्रुप्स में हमारे पास मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं एंड ऑन मूविंग टूवर्ड्स द राइट साइड वी आर हैविंग नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं और वो एनायन फॉर्म करते हैं. तो ऐसे केस में पीरियड्स के केस में हम ऐसा कोई सिंपल रूल नहीं दे सकते थे. तो यहां पर हम बात करते हैं पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो एटम्स या आयन्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं दीज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के साइजेस को हम कंपेयर करते थे बाय कंसीडरिंग देयर जेड अपॉन ई रेशियो. जेड क्या है यहाँ पे? जेड इज एटॉमिक नंबर और E क्या है? E इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के साइजेस को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ Z अपॉन E. ये Z अपॉन E वैल्यू जितनी बड़ी होगी आयनिक साइज उतना ही छोटा होगा. तो यू कैन से Z अपॉन E वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक साइज. क्लियर हो गया? तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया जा सके. फॉर एग्जाम्पल कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, फ्लोराइड आयन एंड ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन एंड ऑफकोर्स नियॉन. ठीक है, ये सब क्या हैं? दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. सोडियम में एटॉमिक नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10. मैग्नीशियम में दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10. एल्युमिनियम में तीन इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10. फ्लोराइड में एक गेन करने के बाद 10. ऑक्साइड में दो गेन करने के बाद 10. और नाइट्राइड में तीन इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद 10. और नियॉन का तो आपको पता ही है एटॉमिक नंबर ही 10 है. तो अगर हम इन सबके जेड अपॉन ई वैल्यूज को कंपेयर करें
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, जेड अपॉन ई 1.1. ऐसे ही मैग्नीशियम में 12/10 मीन्स 1.2, यहाँ पे 13/10 मीन्स 1.3, यहाँ पर आ गया 9/10 मतलब 0.9, यहाँ पर आ गया 8/10 मतलब 0.8, ये हो गया 7/10 मतलब 0.7 और ये हो गया 10/10 मीन्स 1. तो अभी आपने पढ़ा कि आयनिक जो जेड अपॉन ई वैल्यू है वो जितनी बड़ी होगी आयनिक साइज उतना ही छोटा होगा. तो अब हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते थे, सबसे बड़ा जेड अपॉन ई वैल्यू किसकी है, एल्युमिनियम की. तो सबसे छोटा साइज एल्युमिनियम का, उसके बाद मैग्नीशियम आयन, फिर सोडियम आयन, फिर वी हैव नियॉन, उसके बाद फ्लोराइड, फिर ऑक्साइड और सबसे बड़ा नाइट्राइड. ठीक है, तो इन दिस वे आप कंपेयर कर सकते हो एटॉमिक साइज, आयनिक साइजेस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ये सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जैसे हम डाउन द ग्रुप एक रेगुलर ट्रेंड बता सकते हैं कि डाउन द ग्रुप आयनिक साइज इंक्रीज करते हैं, अक्रॉस द पीरियड हम ऐसा कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर नेचर ऑफ आयन्स आर डिफरेंट. क्लियर? सो दैट इज अनदर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपकी कौन सी थी, दैट इज आयनिक रेडियस और आयनिक साइज. अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कुछ और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एंड सो ऑन. गुड बाय टिल देन.